भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में यह मान्यता है कि वहां भगवान कृष्ण का हृदय है। भगवान कृष्ण ने शरीर कहां छोड़ा था? द्वारका में, यानी पश्चिमी छोर पे। हृदय कहां है? यहां पूर्वी छोर पे। और जिस क्षण आप अपना हृदय से भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा जोड़ते हैं, तो आपकी श्रद्धा स्वतः जैसे ही भगवान जगन्नाथ के साथ जुड़ती है, तो उतनी ही श्रद्धा मथुरा के साथ भी जुड़ जाती है, उतनी ही बांके बिहारी जी के साथ जुड़ जाती है, उतनी ही द्वारिका के साथ जुड़ जाती है, उतनी ही सुदूर दक्षिण में गुरुवयूर मंदिर में जहां मक्खन खाते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन होता है, केरल में जाकर वहां से भी जुड़ जाती है। यानी एक ही क्षण में आप पूरे देश के ज्योग्राफिकल स्पैन के साथ जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दुनिया के जिन जिन देशों में से है उन सारे देशों के साथ भी आपका संबंध स्वतः जुड़ जाता है। यह है हमारा वास्तविक राष्ट्रवाद। अब यहां से एक और बात समझिए, बहुत हमें इतिहास में पढ़ाने का प्रयास किया गया कि हम तो एक देश कभी थे ही नहीं। भारत को, इतने बड़े देश को कभी एक ज्योग्राफिकल यूनिट तो माना ही नहीं गया था। अंग्रेजों ने आके बनाया, एट द मोस्ट कहते हैं अकबर ने आके बनाया, उससे पहले तो देश भौगोलिक दृष्टि से कभी एक था ही नहीं। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि ये वो धरती है जहां कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सूर्य कहां से उगता है? पूरब दिशा से। तो सूर्य मंदिर कहां है? पूरब में। चंद्रमा कहां से उगता है? पश्चिम दिशा से। तो सोमनाथ कहां है? पश्चिम में। तो भाई अगर पूरी ज्योग्राफी का हमें अंदाजा नहीं था, तो जो प्रकृति पूर्व में जो होना चाहिए वो पूर्व में है, जो पश्चिम में होना चाहिए वो पश्चिम में है, इतना देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है। और इतना ही नहीं, अगर आप कभी गौर से देखें तो आप सूर्यदेव के जितने मंदिरों में गए होंगे, सूर्यदेव के कितने घोड़े हैं? 7। हम तो हजारों सालों से भगवान सूर्य के 7 घोड़े देख रहे हैं। आप कहते हैं कि विज्ञान ने बताया है कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, विब योर वायलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। अरे भाई विब योर, आपको आप समझ में आया? हमारे तो सारे मंदिरों में दिखाई पड़ता है। यानी ये एक समझने की बात है कि यह देश आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता था। आपको ध्यान हो जब हम लोगों की पिछली बार कार्य समिति थी, तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो लिंगराज मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किए थे, और वो जैसे देखते हुए दिख रहे थे तो जैसे लग रहा था कि एकदम भाव विभोर थे। जब आप भगवान लिंगराज के प्रति समर्पण करते हैं तो आपकी श्रद्धा का केंद्र कहां कहां जुड़ जाता है? उत्तर में अमरनाथ, पश्चिम में सोमनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, इतना ही नहीं नेपाल के पशुपतिनाथ और पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ जाता है। अर्थात कोई भी हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, एक समान रूप से हम आके जुड़ जाते हैं। परंतु आप में से, आप लोग तो उन चीजों का रोज अनुभव करते होंगे, मैंने तो आज से 17-18 साल पहले पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान का भोग लगता है, तो वहां का प्रसाद एक अद्भुत अलग माना जाता है। और माना जाता है कि भगवान जब उठते हैं तो केदारनाथ से आकर भोजन यहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो कभी आपने सोचा कि भोजन यहीं क्यों करते हैं? कभी आपने से विचार किया कि भगवान आकर जगन्नाथ जी में ही भोजन क्यों करते हैं? अगर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश किस ढंग से ज्योग्राफिकली जुड़ा था उसको भी सोचिए। अगर आप भगवान की जन्मभूमि मथुरा से देखें तो जगन्नाथपुरी एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु में किसकी मानी जाती? आग्नेय कोण, जहां अग्नि का स्थान हो। और अगर किसी भी आप वास्तुशास्त्री से पूछेंगे घर में रसोई कहां होनी चाहिए, तो कहता है आग्नेय कोण में होना चाहिए, इसीलिए वो अग्नि का स्थान है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसीलिए नाम ही आग्नेय कोण रखा गया है। तो भगवान की रसोई कहां होनी चाहिए? जहां उनका जन्म हुआ है वहां से आग्नेय कोण में ही तो होनी चाहिए, इसलिए भोग लगाने के लिए वो यहीं पे आते हैं और हम सब उनका प्रसाद पाते हैं। आप सोचिए कि कितनी गहन दृष्टि, कितनी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ
देश के भिन्न भिन्न कोने आपस में जुड़े हुए हैं, मगर हमने से अगर पूछा जाए और कभी इस विषय पर विचार करने की बात की जाए कि हमारे धर्म और संस्कृति में क्या है, तो जैसा हमारे मानस के ऊपर बैठाला गया है, किसी बच्चे से पूछिए जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़ के आए, या हम लोगों ने भी जो पढ़ा है, क्या है भाई हिंदू धर्म संस्कृति में क्या है, वो कहेंगे जाति है, सती है, भेदभाव है, छुआछूत है, ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। एक झटके में यही बातें आती है ना। अगर आपसे कहा जाए अच्छा अच्छी बातें याद दिलाओ, जी वो हम बहुत उदार हैं, हम बहुत असहिष्णु हैं, और फिर तीसरी बात याद ही नहीं आती। यानी अच्छी बात के नाम पे सिर्फ उदार हैं, सहिष्णु हैं, अहिंसा है, इसके अलावा कोई बात याद ही नहीं आती है, और बुराइयों में ढेर सारी बातें याद आती है।